दिन शुभ रात। आज हम शुरुआत करेंगे पहले प्राणायाम से। प्राणायाम से मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको, तो तीन प्राणायाम से एकदम आवश्यक मैंडेटरी है वो बताता हूँ। मेरा वार्म अप हो गया है तो पहले प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम को रिपीट करेंगे तीन प्राणायाम को, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। फिर आपको बताएंगे मंडूक आसन के विषय में। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था मैंने, कपालभाति कम से कम सब लोग अगर पांच प्राणायाम करते हैं उसमें तीन तो बहुत आवश्यक है, तो पांच पांच मिनट इसको कर सकते हैं। और पाँच से दस मिनट बढ़ाइए, उसके बाद आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप जितना कर पाएँ समय के अनुसार आपके। कपालभाति खाली पेट ही करना है। अगर आप शाम को कर रहे हैं तो खाने से चार घंटे का गैप होना चाहिए आपको, चार घंटे के बाद ही कपालभाति कर सकते हैं। इसके बाद भस्त्रिका। भस्त्रिका में फेफड़ों में सांस भरना है और छोड़ना है आराम आराम से। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी ये सब है वो आराम आराम से, जिनको कुछ नहीं यंग है वो फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए पसीना होता है, भस्त्रिका जब करेंगे तो शरीर में गर्मी फैलती है, पसीना होगा। अब मैंने थोड़ा वार्म अप किया है, तो जॉगिंग जॉगिंग किया है, तो इसलिए मुझे और थोड़ी गर्मी हो रही है। भस्त्रिका कम से कम पाँच मिनट, इससे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं और श्वसन क्रिया जो होती है जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग मजबूत हो जाता है। इसके बाद सबसे पहली चीज़ मैं एक बार और बता दूं, जो ये कोरोना का माहौल चल रहा है इससे फाइट करने के लिए हमें तीन चीज़ें तो फॉलो करना है स्पेशली। पहला मास्क लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज करते रहिए। ये तीन चीज़ें जो पालन कर लेगा 90% तो उसको कोरोना तो नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये योगा। योगा तो सारी बीमारियों को ख़त्म करता है जड़ से और सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो योगा और प्राणायाम करते रहिए आप लोग प्रतिदिन। कोरोना है तो भी, कोरोना चला गया, ख़त्म हो गया, इसके बाद भी तो बहुत सारी बीमारियाँ हमारे जीवन में, कोरोना से ज़्यादा भयंकर भयंकर बीमारियाँ हैं हमारे जीवन में, तो वो आप लोग करिए योगा प्राणायाम, तो इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अभी दो हो गया, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम। दाहिने नाक को बंद किया, बाएं से सांस लिया, फिर दाहिने से छोड़ा, जिस नाक से छोड़ा दाहिने से फिर उसी से सांस भरेंगे। अनुलोम विलोम से हम मानसिक रूप से भी हमारा काफ़ी संतुलन रहता है, मेमोरी बढ़ती है और आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। अगर किसी को आँख कमज़ोर हो रहा है तो वो सुधर सकता है, वापस आ सकता है अनुलोम विलोम से। लेकिन उसके लिए अनुलोम विलोम ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा, आपको सिर्फ पाँच पाँच मिनट से काम नहीं चलेगा,
सुबह 15-20 मिनट करिए, शाम को 15-20 मिनट करिए। अनुलोम विलोम में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हैं टीवी देख रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम सबसे अच्छा है, और आँखों के लिए इसलिए स्पेशली कि आजकल कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगल्स आ रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे केसेस दिखाया टीवी में कि आँखों की रोशनी लोगों की चली जा रही है, तो उसके लिए हम अनुलोम विलोम करते रहिए। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा तो ब्लड प्रेशर शुगर सब मेंटेन रहेगा, और गिलोय का सेवन करिए सब लोग, हल्दी वाला दूध पीजिए। अभी हम एक आसन बता रहे हैं, मंडूक आसन। मंडूक आसन डायबिटीज वालों के लिए रामबाण है, उनके डायबिटीज बहुत जल्दी और बहुत सही कंट्रोल हो जाता है। तो कम से कम 5 मिनट, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक मंडूक आसन करें। मंडूक आसन 3 प्रकार से होता है। हम पहले शुरुआत करते हैं मंडूक आसन। मुष्टिका दो नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे, और मंडूक आसन से लीवर को भी अच्छा करता है, लीवर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो मंडूक आसन नाभि के दोनों बगल मुष्टिका से लगाएंगे, सांस भर के सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और गर्दन सीधी रखेंगे। नीचे जाके कम से कम 10 सेकंड या अपनी क्षमता के अनुसार जब जितना रुक सकें उतनी देर तक रुकें। फिर इसमें दूसरा आसन है, बाएं हथेली को नाभि पे लगाना है, दाहिने हाथ को ऊपर रखना है, फिर पुनः उसी क्रिया में झुक जाना है मुझे, गर्दन सीधी सांस छोड़ते हुए। शारीरिक क्षमता के अनुसार झुकना है और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रुकना है आपको। डायबिटीज शुगर की बीमारी बहुत सही कंट्रोल होती है, मुझे तो डायबिटीज शुगर नहीं करते हैं। तीसरा है शशकासन। हाथों को फैला के आगे की तरफ झुकना है, जब उठते हैं तो सांस निभरते हैं, नीचे झुकेंगे तो सांस छोड़ देंगे। योग में सांसों की क्रियाओं पर विशेष ध्यान देने,
इसी प्रक्रिया में बैठे हैं तो गोमुख आसन कर लें। गोमुख आसन के भी बहुत सारे फायदे हैं, फेफड़े हार्ट, बाएं पैर नीचे दाहिने पैर ऊपर, हाथों को पीछे ले जाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे भी दिखाएं हमारे, तो गौमुख आसन में जो पैर ऊपर रहेगा तो वही हाथ पर जाएगा और पीछे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ऐसे दोनों हाथों को पकड़ के साथ में आप कपालभाति भी कर सकते हैं, गर्दन सीधी। हर आसन एक मिनट से पाँच मिनट के बीच में करना चाहिए, कम से कम एक मिनट पाँच मिनट। फिर दाहिना पैर नीचे, बाएं पैर ऊपर, बाएं हाथ ऊपर ले जाएंगे। जो पैर ऊपर होगा वो हाथ भी ऊपर होगा, गर्दन सीधी। ये गोमुख आसन, इससे हृदय और फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, कंधे। सो दोस्तों, आज जैसे कि बताया कि शुरुआत आप योगिक जॉगिंग वार्मअप करिए, फिर प्राणायाम करिए। तीन प्राणायाम जो मैंने दोबारा आज फिर बताया, ये बहुत ही आवश्यक है, मैंडेटरी है, इसको करिए। और उसके बाद आसन, प्रतिदिन मैं एक एक आसन बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने सूक्ष्म व्यायाम, कल इसके पीछे पहले मैंने आपको सूर्य नमस्कार, और आज मैंने मंडूक आसन और गोमुख आसन बताया। बहुत पसीना हो रहा है, बताया तो ये करते रहिए। अगले एपिसोड में हम और भी बहुत सारे दूसरे आसनों के विषय में आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें। नमस्कार।